आपकी शादी को भी एक वक्त हो गया, निजी जिंदगी में आप बेटी पहले चाहते हैं बेटा? थैंक यू सर। सर आप तारीफ कर रहे हो तो माइक पे करो। हा हा। बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो शायद पूरा मुल्क, पूरा देश, पूरा विश्व झेल रहा है। जब हम भ्रूण हत्या की बात करते हैं, कन्या हत्या की बात करते हैं, उन्हें दुनिया में आने से पहले ही उन्हें खत्म कर दिया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट फिल्म आप लेके आ रहे हैं सोशल मैसेज के साथ, ये इम्पॉर्टेंट मैसेज देना एंटरटेन करते हुए, ये कितना चैलेंजिंग था? पहला सवाल सर माइंड सवाल तो मतलब आई एम सो ग्लैड वी आस्क्ड दिस। हाँ दूसरा बेटियों की हम बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, फिल्म इतनी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म लगती है मुझे बच्चियों के लिहाज से। आपकी शादी को भी एक वक्त हो गया, निजी जिंदगी में आप बेटी पहले चाहते हैं बेटा? अच्छा अब मैं समझा अंकल। अचानक में भयानक कर गए अंकल, फंसाया आपने मुझे। पार्ट 1 तो आपने बाय द वे पूछा है, पार्ट 2 पे इनकैश करना था आपको। इट इज माई चॉइस ओनली। एक्चुअली इज नॉट माई चॉइस सर। जैसे डायलॉग है ट्रेलर में, मंदिर जाते हैं तो पूछते हैं क्या लाडू चाहिए, क्या सीरो, जो भी मिलता है ऐसे करके ले लेते हैं। तो ऊपर वाला चाहेगा तो वो जैसे चाहेगा वैसे ही होगा मेरी लाइफ में, निजी जिंदगी में। बट द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, आई एम रियली ग्लैड दैट यू मेंशन दैट ऐसे थीम्स हैं। ऐसा नहीं है कि इट इज़ जस्ट अ कॉमेडी, एक रेंडिशन इसका एंटरटेनिंग है, कॉमेडी है कि मतलब आप हंस लोत के हंस रहे हो, लेकिन उसके पीछे जो सोशल थीम्स हैं, चाहे वो डाउरी है, डोमेस्टिक वायलेंस है, फीमेल इन्फेंटिसाइड है, the things that Divyang is able to communicate about with regards to these sorts of themes will hopefully reach you and resonate with you through all the entertainment and through all the laughter. आपको कुछ ना कुछ देगी, एक छोटा सा मैसेज देगी, और our hopes are that it resonates when you make a film with pertinent social issues in this way. You're always hoping that आपको, हाँ फिल्म बनाई गई है आपको एंटरटेन करने के लिए, लेकिन कुछ सब्सटेंशियल आपको दे के ही जाएगी, और ये हमारी होप है।